प्रभु, जहां तक मैंने इन असुरों की युद्ध नीति को समझा है, ये युद्ध के नियमों का किसी भी प्रकार से पालन नहीं करते। इन्हें छल करते हुए पीछे से वार करना अधिक भाता है। इसीलिए सेना के पृष्ठ भाग की रक्षा के लिए हमें विशेष रूप से महावीर योद्धा चाहिए। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं को इसके लिए प्रस्तुत करता हूँ। हनुमान, मैंने तुम्हारे और अंगद जैसे महाबली योद्धाओं के लिए कुछ और ही सोचा है। पृष्ठ भाग के इस पर्वताकार नेतृत्व के लिए हमें पर्वत के समान ही सुदृढ़ एवं अधिक योद्धा नियुक्त करने होंगे, और मेरे विचार से जामन जी, सुषेण और वेगदर्शी इसके लिए सर्वथा उपयुक्त योद्धा होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब सेना का सबसे महत्वपूर्ण मध्य भाग। मध्य भाग में इस स्थान पर सेना के प्रमुख नायक को होना चाहिए, अतः सुग्रीव जी राजा हैं। इस भाग में वो अपने रथ पर रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यदि हनुमान और अंगद सहमत हो तो मैं और लक्ष्मण दोनों के सुदृढ़ कंधों पर आरूढ़ होकर महाराज सुग्रीव के दोनों ओर चलते हुए ऊंचाई से सब पर दृष्टि रखेंगे। ये कहकर तो आपने इस सेवक पर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लक्ष्मण जी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ प्रभु। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रमुख सेना नायक की दृष्टि सब पर बनी रहनी चाहिए। जिस प्रकार देवराज इंद्र देव सेना के मध्य गजराज रावत पर आरूढ़ होकर अपनी सेना पर दृष्टि रखते हैं, यही नहीं, इस प्रकार वानर योद्धाओं की दृष्टि भी हम दोनों पर रहेगी, जिससे उनका मनोबल सदैव उन्नत बना रहेगा और वो पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आप सत्य कह रहे थे, आप तीनों को ऊंचाई पर स्थित देखकर ही संपूर्ण सेना में उत्साह की लहर दौड़ रही है। सभी के मनोबल बढ़े हुए हैं प्रभु। यदि अब कोई बाधा नहीं आई तो हम शीघ्र ही दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंच जाएंगे। जय श्री राम, 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 हुआ सेनापति। मुझे कुछ आभास हो रहा है। मुझे किसी संकट का आभास तो हुआ था, किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो
लाखों वानरों का झुंड है, कैसे ज्ञात होगा कि इनमें से वो दुष्ट वानर कौन है जिसने मेरी बहन को प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया था? साधारण वानर नहीं होगा वो, कोई महाबली महातेजस्वी वानर ही ऐसा कर सकता है। ये दो वानर तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं, यही सबसे अधिक बलवान और महातेजस्वी वानर दिखाई दे रहा है। अवश्य इसी दुष्ट वानर ने मेरी बहन लंकनी को प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया हो। अब देखो वानर, मैं कैसे तुम्हारा और तुम्हारी समस्त सेना का अंत अपनी महामारी से तड़पा तड़पा कर करती हूँ। असामान्य अवश्य है, मुझे सबको सतर्क कर देना चाहिए। छोड़ो, लाल तितलियां दिखाई दे रही हैं, नील ने सतर्क रहने का संकेत दिया है। आइए प्रभु, आइए लक्ष्मण जी। प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण एवं भ्राता सुग्रीव को सुरक्षा घेरे में ले लो। चलो शीघ्रता करो। मुझे जाकर देखना होगा कि क्या हुआ है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये क्या, ये लाल तितलियां अकस्मात ही धराशायी कैसे होने लगी? है वानर, जिससे अब तुम भी नहीं बचोगे।
मेरे कीटाणुओं का वास कर देता है सबका संघार। आओ दुष्ट वानर, मेरे कीटाणुओं के संपर्क में आते ही तुम्हारी भी ऐसी ही दुर्दशा हो जाएगी। ये क्या, इस वानर पर तो मेरे कीटाणुओं का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। कुछ तो संदिग्ध है वायु में जिसके कारण वानर वीरों की ये दशा हुई है। तो ये विषाक्त कीटाणु है इसका कारण, किंतु मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क दोनों उत्तम होंगे, असीमित गति, ऊर्जा और आंतरिक बल का संचार होगा, सदैव रोग और व्याधियों से मुक्त रहेगा तुम्हारा शरीर। मैं तो भोले बाबा के वरदान के कारण इन कीटाणुओं के प्रभाव से अछूता रहा, किंतु मुझे अब अन्य वानर सैनिकों को भी बचाना होगा। ये किस प्रकार का संकट है? ये सभी कीटाणु तो नीच की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे सभी वीर वानर एक एक करके गिर रहे हैं। परंतु अन्य वानरों और मनुष्यों को कैसे बचाओगे? अब तुम शेष वानर और मनुष्य नहीं बचोगे। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। अच्छा, तो ये कुकृत्य इस राक्षसी का है। मुझे आभास तो हुआ था अनुमान कि कुछ तो संदिग्ध सा है इस वायु में, किंतु ये है क्या? ये हैजा फैलाने वाले कीटाणुओं का आक्रमण है जो एक राक्षसी उत्पन्न कर रही है। सबसे कह दो नील, अब सब अपने मुख और नासिका के छिद्रों को वस्त्र से ढक लें। ठीक है हनुमान। ये भयानक कीटाणु तो प्रभु और सैनिकों की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे जाना होगा नील।
क्या अभी तक नील की सैन्य टुकड़ी की ओर से कोई सूचना नहीं आई? नहीं प्रभु, उनकी ओर से ना ही कोई दूत आया है और ना ही किसी प्रकार का संकेत प्राप्त हुआ है। यहाँ से हनुमान जी वहाँ गए हैं, वे भी अभी तक नहीं लौटे हैं। कदाचित वो किसी संकट में है। प्रभु मैं जाकर देखता हूँ हुआ क्या है। महाराज सुग्रीव मैं भी आपके साथ आता हूँ। नहीं लक्ष्मण जी, मेरे होते हुए आपको या महाराज को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा वहाँ, और यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो मैं किसी भी युक्ति से आप सब तक संकेत भेजूंगा। ठीक है पुत्र अंगद, प्रणाम। तो करना होगा, कोई उपाय तो होगा जिससे इन कीटाणुओं को रोका जा सके। हनुमान जी, आप जब तक उपाय के बारे में सोचिए तब तक मैं पीछे जाकर सबको सचेत करता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गवई। इन कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। मुझे वायुदेव की सहायता से चक्रवात उत्पन्न करना होगा। हनुमान जी मैं आ रहा हूं, रोकने में मेरी सहायता कीजिए। अब ये वानर मेरी कीटाणुओं के प्रभाव में आ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? धन्यवाद गुरुदेव। अंगद, हनुमान जी, प्रतीत होता है अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। हमारा साथ यहीं तक का था। नहीं अंगद, ऐसा मत कहो। मैंने माता तारा को सदैव तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया था। मेरा वचन विफल मत होने दो अंगद, साहस बनाए रखो। किसी भी महामारी एवं आपदा से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता आवश्यक है, अन्यथा महामारी हमें अपना ग्रास बना सकती है।